अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हाय, आप दोनों क्या कर रहे हो? हम अपना घर बना रहे थे। बनाओ, चलो। मीरा आप क्या कर रहे हो? आप क्या बना रहे हो? आप भी अपना हैंड बना रहे हो? बहुत तेज हो रहा है। पर मैंने बात नहीं करना। गजब बेइज्जती है। मुझे पता नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ही आसान। मैं अभी बनाने लगी थी, मैंने सोचा चलो उससे पहले थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि जो मैं रेसिपी आज की बनाने वाली हूँ बहुत आसान है, बहुत मजे की होती है। घर में ये चीज़ें अभी आपके पास अवेलेबल होंगी। मसालेदार आलू अंडे। आलू अंडे का नाम सुनते दिमाग में आया होगा, यार वो पता नहीं वो वाले आलू अंडे मैं आपको बताने वाली हूँ, वो जो ऑमलेट बनता है और सूखे सूखे से मसाले वाले, वो भी मज़े के होते हैं। मुझे पर वो नहीं अच्छे लगते आलू अंडे। मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार है और बन भी थोड़ी जल्दी जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। जी अब बातें करते हैं इधर ही बंद, बातें कम काम ज़्यादा, ठीक हो गया। तो अब सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब सबसे पहले हम बनाएंगे मसाले, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी तो आलू हमने लिए हैं यहाँ पे, तकरीबन 8 लिए हैं मैंने आलू, 8 अदद आलू हैं, दरमियाने साइज़ के ही हैं। तो जी प्याज है तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, बड़े साइज़ के, अगर छोटे हैं तो आप 4 ले लें, इनको हमने पीस लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, इनको भी हम पीस लेंगे। जी इनको हमने पीस लिया है और अब हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के रख लेना है साइड पर, और 4 से 5 हरी मिर्च भी हम काट के साइड पर रख लेंगे, और लहसुन अदरक हम इतना लेंगे जो 2 से 3 खाने के चम्मच बन जाए, ठीक हो गया। 2 खाने के चम्मच भी काफ़ी होंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था 1/2 कप, उसमें जो है ये प्याज पीसे हुए ऐड कर दिए हैं, हमने लाइट से गोल्डन ब्राउन करने हैं। आलू इधर बॉईल कर लिए थे, ज़्यादा सख्त नहीं करने, दरमियाने से रखने हैं और ज़्यादा नरम करने हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल दरमियाने से रखने हैं। अंडे मैंने लिए हैं 8 से 9 अदद अंडे हैं, आप थोड़े कम भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। प्याज इधर हो गए थे गोल्डन ब्राउन, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा भुनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो। बाद में मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर पिसे हुए और हम इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। मसाले में मैंने लिया है 1/2 चाय के चम्मच काली मिर्च, 1 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा और 1 चाय के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। सारे जो नॉर्मल हांडी के मसाले होते हैं हमने वो इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, जब इसका ऑयल अलहदा होने लगे, मसाला बिल्कुल तैयार होगा तब, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। आलू जो है ऐड करके हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से आलू के ऊपर लग जाए। जी तो उसके बाद हमने हरी मिर्च जो कटी हुई हरी मिर्च थी वो ऐड करके हमें 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देना है। जो कटी हुई हरी मिर्च की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है जब उसको दम देते हैं हम, तो आपने दम लाजमी देना है। तो जी अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के बाद चेक किया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है 1 प्याली दही, 1 प्याली दही ऐड किया है और इसको फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दही ऐड करने से ये थोड़ा खट्टा सा हो जाता है तो बड़ा मज़े का लगता है, ठीक है। अब ये मसाला जो है आलू का बिल्कुल तैयार था इधर, तो मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं, अंडे बिल्कुल एंड पे ऐड करने हैं आपने, और मैंने तो इनकी जर्दी निकाल के साइड पे कर दी थी। आप चाहें तो जर्दी के साथ भी जो ये अंडे हैं बॉयल करके वो ऐड कर सकते हैं। आलू बिल्कुल तैयार है, एंड पे थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया और ये जो मसालेदार आलू अंडे तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ वीडियो को करती हूँ एंड, मैं जा रही हूँ पार्क, बाय बाय।